गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 7 एंड दिस इज़ योर होम साइंस क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर एंड टुडे वी विल कम्प्लीट इट्स एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ए फिल इन द ब्लैंक एंड बी ट्रू और फॉल्स, जो कि बुक में आपके दिया हुआ है। फिर आते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि सारे आंसर्स के जो पेज नंबर्स हैं वो लिखे हुए यहाँ पे। तो जो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग नॉइज़ कॉल्ड, तो इसका आंसर पेज नंबर 46 पे है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पेज नंबर 44 पे इसका आंसर है। व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, ये भी आपको पेज नंबर 44 पे ही मिल जाएगा। व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 46 पे। एंड नंबर 5, व्हाट नेम वेरियस ऑब्जेक्ट्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन फैलाने वाले जितने भी कॉजेज हैं वो आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 45 पे। फिर है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि पहला है आपका व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के मेन कॉजेज आपको पॉइंट वाइज करके लिखने हैं, जो भी हेडिंग्स वगैरह दी हुई हैं उसमें से सिर्फ उनकी हेडिंग को लेना है और आपको एक पॉइंट बनाना है और उसमें आप वन लाइन ऐड कर दीजिए, ओनली वन लाइन, आपको पूरा पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इज़ व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन के जितने भी कॉजेज हैं ये आपको पॉइंट से ही दिए हुए हैं पेज नंबर 46 पे, तो ये आपको करना है। लॉन्ग अभी आपको इस चैप्टर से नहीं करना है। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस का ही भेजूँगी, ताकि आप हर चैप्टर से वन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ये आप कंप्लीट करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।